बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं व्यूज़, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ईद का दूसरा दिन है और हमने आज बनाई है चना चाट। तो चना चाट के लिए हमें प्याज, आलू, टमाटर, चने और ये इमली का पानी और साथ नींबू। सबसे पहले दोस्तों आपने क्या करना है, इसके बाद एक चीज़ रहेगी, ये है चाट मसाला, ये भी आपने ऐड कर लेना है। तो जी दोस्तों, आपने सबसे पहले क्या करना है, आलू ले लेने हैं। आलू लेने के बाद आपने 10 से 15 मिनट इनको उबालना है कुकर में। तो अगर आपके पास कुकर नहीं है तो आपने हांडी में उबाल लेने हैं। तो हांडी में कम से कम 20 से 25 मिनट ये उबाले जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, प्याज ले लेना है। प्याज को लेकर आपने अच्छी तरह से काट लेना है। काटने के बाद इसको नींबू और नमक के साथ इसको आपने अच्छी तरह से मसलना है, इस तरह से। इसके बाद आपने प्याज को आधा घंटा छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों आपने टमाटर जो ले लेने हैं, टमाटर लेने के बाद इसको आपने बारीक बारीक काट लेना है। इसके बाद नींबू लेने हैं, नींबू दोस्तों आपने इसके ऊपर निचोड़ने हैं। तो ये जो इमली का पानी है, अभी इसके बारे में हम बताएंगे, ये पहले नींबू निचोड़ लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये तो व्यूज़ अब हमने अच्छी तरह से इसको जो नींबू था वो निचोड़ लिया। तो अब इसको मिक्स करेंगे, सॉरी मिक्स करने के बाद हमने एक चीज़ का आपको बताया नहीं, ये चटनी है, इसके बारे में बताते हैं हम आपको। ये इमली का हमने फल डाला है, इसे हमने पानी में थोड़ी देर के लिए इमली को भुगोना है और भुगोने के बाद जो है हम इसे अच्छे से मसलेंगे। मसल के जो उसका जो पानी होगा वो हम इसमें ऐड करेंगे, इसलिए क्योंकि चाट खुश्क होती है और फिर जो इमली का जो पानी होगा इससे ये बहुत मज़े की टेस्टी फील लगेगी। तो जी व्यूज़, अब इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, हैंड से नहीं करना है, चमचे की मदद से आपने मिक्स करना है। इसके बाद हम जो है चना चाट मसाला वो ऐड करेंगे। जी तो व्यूज़, अब इसमें हम जो चना चाट हमारा मसाला है वो इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको फिर मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। तो ये दोस्तों बहुत ही सिंपल है, अक्सर लोग जो जाते हैं वो बाहर से खाते हैं, तो ये घर पे चीज़ बनाएं, खुद खाएं। जी तो व्यूज़, अब इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नमक ज़्यादा नहीं डालना, बस हस्बे मबूल के साथ डालना है, क्योंकि हमने चाट मसाला इसमें डाल लिया था। फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो चना चाट है वो बिल्कुल रेडी है। अभी थोड़ा सा और बताते हैं इसके बारे में क्या ऐड करना है। जी तो व्यूज़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसमें हम डालेंगे पुदीना। पुदीने को बारीक बारीक काट लेना है, काट के इसके बाद इसको हिलाना नहीं है आपने, क्योंकि जो अच्छा सा वो हमारा डिज़ाइन है, स्टाइल कह रहे हैं इसको, बना है इसका, तो वो ख़राब हो जाएगा। तो माशाल्लाह पुदीने की खुशबू तो बहुत ही प्यारी है, आप सबको पता ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी चना चाट अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनती है। ये वो रेसिपी है दोस्तों जो आप 5 से 7 मिनट में घर पे तैयार कर सकते हैं। तो आप जो बाज़ार से जो चना चाट लेकर ना खाएं तो घर पे तैयार करें, तो इसलिए मैंने आपको ये बनाना भी सिखा दिया। और आपको उम्मीद करते हैं कि वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को है जो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की हम अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप अपनी हमें दुआओं में याद रख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।